मेरी लाइफ का सबसे टफ टास्क पापा को झप्पी देना। सब कहते हैं कि उनकी चिंता बहरी और प्यार गूंगा होता है, अंदर से नरम और बाहर से कठोर होता है। हर चीज पे सेक्रीफाइस करके हमें खुशी देना, ऐसा प्यार और किसी का नहीं, बस हमारे पापा का होता है। कामयाबी में जो हमें खुद से आगे देखना चाहे, कभी किसी मुश्किल घड़ी में छोड़ के ना जाए। और मेरे पापा का प्यार भी कुछ ऐसा ही है। 2006 का वो दिन था, मेरा पापा के स्कूल में पहला दिन था। क्लास मेरी पहली थी और मेरे आगे बैठे टीचर और कोई नहीं, मेरे पापा ही थे। पापा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैंने भी गलत जवाब दे दिया, और उस गलती की सजा मेरे गाल पर उनके हाथ से बजा एक चांटा था। उफ, वो पल आंखें भरी थी। पापा ने शायद मुझे पहली बार मारा था और उस थप्पड़ का डर आज तक दिल में बैठा है। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत बुरा दिन था, क्योंकि उसके बाद पापा को एक झप्पी देना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता है जैसे हम दरिया के दो किनारे हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। वक्त बीतता गया और मैंने आपसे दूर रहकर ही बहुत कुछ सीखा, जैसे कि लिखना। अगर अब कुछ लिखती हूँ तो आपसे ही तो सीखा है। स्कूल में तो कोई भी टीचर लिखना सिखा देते हैं, पर अपनी जिंदगी के बारे में लिखना किसी स्कूल में नहीं सिखाते। पर हाँ, शायद मैं खुशनसीब तो हूँ, क्योंकि स्कूल का मैथ भी मैंने आपसे ही सीखा है और जिंदगी का मैथ भी मैंने आपसे ही सीखा है। पापा, अब आपके साथ खुलकर बात करना बस सपनों की दुनिया में रह गया है। जैसे मेरे दोस्त अपने और अपने पापा के किस्से बताया करते हैं, वैसे तो मेरे बस इमेजिनेशन की दुनिया में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सपने एक अलमारी में बंद हो गए हैं, जिस अलमारी की चाबी गुम हो गई है। पर मैं वो चाबी ढूंढना चाहती हूँ और उस सपने को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। जैसे दरिया के दो किनारे अलग तो होते हैं, पर बने तो एक ही मिट्टी से होते हैं। अब इंतजार उस दिन का है पापा, जब ये हवा अपना रुख बदलेगी और मैं अपने दिल की बात खुद आकर आपसे कहूंगी, ना डर कर कहूंगी, ना मम्मा का सहारा लूंगी, और अपने कदमों को आपकी तरफ बढ़ाकर आपको प्यार भरी झप्पी दूंगी, आपको प्यार भरी झप्पी दूंगी।